सिक्स क्लास से सही बच्चों को ड्रीम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः वेलकम है। आज यहाँ हम लोग देखेंगे हिंदी विषय से 13 पार्ट के बारे में। 13 पार्ट जो 13 सीरीज में रखा गया है कि मैं सबसे छोटी हूँ। यहाँ एक वैसे बच्चे की आवाज है, एक ऐसे बच्चे की बात है जो सुमित्रानंद पंत जी द्वारा यह वर्णन किया गया है कि एक छोटे बच्चे की जो भावना होती है वे किस तरह की होती है। जैसे आप भी बड़े हो गए हैं तो आप अपने आप को छोटे होने की बात क्यों सोचते हैं। जैसे इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि इस कविता में जो दिया गया है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा माँ तेरे साथ। अर्थात यह कहा जाता है कवि के द्वारा कि मैं छोटी ही रहूं, मैं बड़ा होने की सोच नहीं रखी हुई हूं, या मुझे बड़ा होने का कोई शौक नहीं है, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए क्योंकि तेरी गोदी में सोऊं। जब हम छोटा रहेंगे तो हे माँ, मुझे तेरे गोदी में सोने का मौका तो मिलेगा, और गोदी में सोने का जो आनंद होता है, जो प्रेम होता है माता और पुत्रों के बीच में, जो प्रेम होता है, इस प्रेम का तेरा आंचल पकड़ कर फिरू सदा मैं तेरे साथ। यानी तेरा आंचल पकड़ कर मैं हमेशा तेरे साथ घूमते रहूं, फिरते रहूं, यानी मुझे सौभाग्य मिलते रहेगा कि तेरा आंचल पकड़कर मुझे घूमने का अवसर मिलते रहेगा। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे, यानी यहाँ कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि तेरी आंचल पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। अगर तू मुझे बड़ा बना देती हो तो बड़ा बनाकर तू पीछे मुझे छलने का काम क्यों करती हो मां, इसलिए मुझे मात देने का काम मत करो, मुझे बड़ा बनाने का काम मत करो, मुझे छोटा ही रहने दो, क्योंकि जब हम छोटा रहेंगे तो तुम्हारी गोदी में सोने का सौभाग्य मिलेगा, तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चलने का सौभाग्य मिलेगा, इसके बाद हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरते दिन रात, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हाथ पकड़कर तुम दिन रात कहां मेरे साथ घूम पाओगी, अपने कर से खिला धुला कर धूल पोंछ सज्जित कर कात, यानी अपने कर से अपने हाथों से तुम खिला पिला कर, यानी खिलाकर मुंह धोने का काम कैसे कर पाओगी जब हम बड़ा हो जाएंगे। तो जब हम छोटे रहते हैं तो छोटे रहने पे तुम अपने हाथों से खिलाओगी, मेरा मुंह धोने का काम करोगी, धूल पोंछ कर, यानी धूल जो होगा राख होगा ऐसे धूल पोंछ कर सज्जित कर गात, यानी तुम मुझे सजा कर गीतों को गाएगी, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, यानी हमें खिलौना थमा दोगी और क्या करोगी, परियों का जो गीत है वह तो नहीं सुनाओगी जब हम बड़े हो जाएंगे। तो ऐसी बड़ी न होऊं मैं, ऐसे इसलिए हे माँ, मैं बड़ा होना नहीं चाहता, तेरा स्नेह तेरा प्रेम हम खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा है दे चंद्रोदय, यानी तेरे आंचल की छाया में निर्भीक होकर निडर बनकर हम छुपे रहें, ताकि तुम्हारी आंचल की छाया में जब तक रहेंगे तो हम एकदम निर्भय रहेंगे, और जब भी कहेंगे तुम मुझे चंद्रोदय दिखाने का काम जरूर करोगी, इसलिए यहाँ हमें बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है और हम बड़ा होना नहीं चाहते हैं, हम छोटे ही रहना चाहते हैं। तो इस कविता में बच्चों देखोगे कि इसमें बहुत तरह के प्रश्न होंगे, और इस प्रश्न में जैसे अगर कविता से हम बातें करते हैं तो कविता से कुछ प्रश्न को कैसे तुम करोगे, जैसे देखोगे कविता से सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, प्रश्न नंबर एक में लिखोगे कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। उसके बाद प्रश्न नंबर दो में लिखोगे कविता में ऐसे बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे छोटे बने रहने ही पसंद करते हो। इसके बाद आशय स्पष्ट करना है, आशय किसका स्पष्ट करोगे कि हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरते दिन रात, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो
तो आशय स्पष्ट करने के लिए तो आप जान रहे हैं कि आप सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, इसका रचयिता कौन है, इसके बाद इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ को आप लिखेंगे जो मैंने बताया, ठीक है। और चौथे प्रश्न को आप लिखेंगे कि अपने छुटपन जो बात है, छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, इस कविता में जो यहाँ बात कहा गया है कि कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है, यह बात को आपको लिखना है। फिर आप देखेंगे कविता से आगे की कुछ बात करते हैं, कि कविता से आगे आप क्या करेंगे, तुम्हारी माँ जो है, एक नंबर प्रश्न में लिखेंगे कविता से आगे में कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है, यह बात लिखोगे। दो नंबर प्रश्न में लिखोगे कि क्या यह क्यों कहा गया है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छलती है, बड़ा बनकर माँ बच्चे को क्या करती है, छलती है। और तीन नंबर में लिखोगे कि उन क्रियाओं को गिदाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है, वैसी कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उस क्रिया को तुम्हें गिन के लिखना है कि कितनी क्रियाएं, जितना तुमको समझ में आता है उतना लिखोगे। और फिर अनुमान लगाओगे, तीसरे खंड में अनुमान लगाओगे या कल्पना करोगे, और कल्पना क्या करोगे, अनुमान लगाओगे, एक नंबर में कल्पना करने के लिए कि इस कविता के अंत में जो यहाँ बातें की गई, चंद्रोदय दिखाने की जो बात की गई है, इस चंद्रोदय दिखाने की बात क्यों हो रहा है, चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में या अपने मित्रों से बात करके यहाँ बताओ। फिर दूसरे नंबर में इस कविता को पढ़ने के बाद, जब कविता पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में तो जरूर आ रहा है या उभरता है, वह बच्ची और क्या क्या करती होगी, क्या क्या करती होगी, क्या क्या कहती होगी, कल्पना करो कि एक कहानी के संदर्भ में यह क्या क्या बातें हो सकता है। और तीसरी बात कि माँ अपने एक दिन कैसे गुजारती है, कुछ मौके पर उसकी दिनचर्या बदल जाए, यानी कि जो कुछ मौके होता है दिनचर्या बदल जाया करता है, और वैसे दिनचर्या जब बदल जाता है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, मेहमान तुम्हारे घर में आ जाते हैं तो माँ का दिनचर्या कैसे बदल जाता है, या घर में किसी के बीमार हो जाने पर, या फिर देखोगे कि त्योहार के दिन में माँ का काम कैसे कैसे हो जाता है, इन अवसरों पर माँ का दिनचर्या में क्या फर्क पड़ता है, तुम सोचो और इस बात को लिखोगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, डेट्स ऑल।